उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए 40 फुट बाई 45 फुट का प्लॉट है ये दोस्तों। 40 फुट इसका फ्रंट रहेगा और 45 फुट इसकी गहराई रहेगी। तो फ्रेंड्स इसमें हमने 3 BHK डिज़ाइन किया, वो भी डुप्लेक्स रहेगा ये हमारा। 40 फुट बाई 45 फुट का प्लॉट रहेगा, 1800 स्क्वायर फीट इसका एरिया रहेगा, 200 गज का ये प्लॉट रहेगा। अगर दोस्तों आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर है। फ्रेंड चलते हैं हम प्लान की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा प्लान रहेगा, जो कि 45 फुट इसका फ्रंट रहेगा और 44 40 फुट इसका फ्रंट रहेगा, 45 फुट इसकी गहराई रहेगी। तो दोस्तों चलते हैं हम मेन गेट से। मेन गेट दोस्तों ये हमारा मेन गेट रहेगा, जो कि 9 फिट वाइड का ये मेन गेट रहेगा। जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे तो ये हमारा पार्किंग एरिया आएगा, जो कि 9 फिट बाई 18 19 फिट 8 इंच एरिया रहेगा। ये हमारा पार्किंग है, पोर्च एरिया रहेगा। और दोस्तों ये आगे की तरफ हमने लोन दे रखा है, ये आगे से हमने 7 फुट छोड़ रखा है, तो इस तरीके से हमने लोन दिया हुआ है आगे, आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स फ्रंट पर ही हमने ये ड्राइंग रूम दे रखा है, एक बेडरूम दे रखा है। तो इसमें जो घर में जाने के लिए जो रास्ते रहेंगे, एक एंट्री दोस्तों हमारी ये रहेगी, जो मेन एंट्री रहेगी, एक ड्राइंग रूम से दरवाजा इधर रहेगा, एक बेडरूम से इधर रहेगा। तो दोस्तों पहले चलते हैं हम ये एंट्री से, मेन एंट्री से। जैसे ही हम मेन एंट्री से आएंगे तो दोस्तों ये हमारा डाइनिंग है, फैमिली लॉन्ग एरिया रहेगा, जो कि हमारा 21.5 फुट बाई 12 फुट का ये एरिया रहेगा, जिसमें ये हमारी डाइनिंग टेबल डली हुई है, ये सोफा डला हुआ है, और यहाँ से ये हमने स्टेयरकेस दे रखा है, जो कि अंदर ये जाने के लिए रहेगा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। दोस्तों ये हमने किचन दे रखी है, जो कि 9 फिट बाई 7 फिट 3 इंच इसका साइज रहेगा। गैस इधर रखी हुई दोस्तों, सिंक ये लगी हुई है। सामने की तरफ इसकी विंडो रहेगी पार्किंग की तरफ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको किचन को डिजाइन किया है। अब चलते हैं बाहर दोस्तों ये फ्रंट की तरफ। तो ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा, ड्राइंग रूम की एंट्री जो रहेगी एक लॉबी से रहेगी, लॉबी में हमारी आर्च रहेगी और बाहर से ये हमारा गेट दिखा हुआ। तो फ्रेंड्स ये हमारा सोफा डला हुआ है, आप देख सकते हैं। ड्राइंग रूम का जो साइज रहेगा वो 14 फट बाई 12 फट का रहेगा। ये हमने विंडो दे रखी है और ये इधर लॉन की तरफ भी विंडो रहेगी और दोस्तों पार्किंग की तरफ भी विंडो रहेगी। ड्राइंग रूम में 2 विंडो रहेंगी जो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन करेंगी। और दोस्तों चलते हैं बेडरूम में। ये हमारा बेडरूम रहेगा, जो कि 14 फट बाई 12 फट का बेडरूम रहेगा। इसमें ये बेड डला हुआ, सामने टीवी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारी विंडो रहेगी और ये हमारा 2 डोर रहेंगे, एक तो अंदर लॉबी से रहेगा और एक बाहर से रहेगा लॉन की तरफ से। तो इस तरीके से हमने बेडरूम और ड्राइंग रूम को डिजाइन किया। अब दोस्तों चलते हैं पीछे की तरफ। हमने 2 बेडरूम दे रखे हैं, दोनों बेडरूमों के एक ही साइज रहेंगे दोस्तों, 14 फट बाई 11 फट के रहेंगे। 14 फट इसकी लंबाई रहेगी और 11 फट इसकी चौड़ाई रहेगी। ये हमने बॉर्डर दे रखी है, ये टीवी लगा रखा है दोस्तों, सामने हमने बेड डाल रखा है टीवी के, और इसकी जो विंडो रहेगी वो ओपन से रहेगी। ये हमारा वॉश ओपन एरिया रहेगा, जो कि 9 फट बाई 6 फट का रहेगा। इससे लॉबी में भी वेंटिलेशन होगा दोस्तों, और ये वॉशिंग एरिया भी रहेगा, ये वॉश मशीन रखी हुई है, जहाँ हमारे ये WC और बाथ रहेंगे। 5 फट बाई 1 इंच 4 फट 6 इंच का ये बाथरूम रहेगा, और 3.5 फट बाई 4.5 फट का ये WC रहेगी, जिसमें हमारी सीट रहेगी। दोस्तों तीनों बेडरूम गेस्ट रूम वगैरह सब इसी को यूज़ करेंगे। ये हमने वॉश बेसिन दे रखा है हाथ धोने के लिए। इसी तरीके से दोस्तों ये वाला बेडरूम रहेगा, जो कि 14 फट बाई 11 फट का रहेगा। इसमें हमने ये बॉर्डर दे रखी दोस्तों, ये बेड डाला लगा, सामने टीवी लगा रखा है। इसकी जो विंडो रहेगी वो ओपन से ही रहेगी, ये हमने विंडो दे रखी है। दोनों बेडरूमों का वेंटिलेशन आराम से होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इस प्लान को डिजाइन किया डुप्लेक्स के साथ। आगे ही हमारा मेन रोड था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के अच्छे अच्छे प्लान आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।